आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कस्तूरबा पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो व्यापारियों से अपने आप को फूड ऑफिसर बताकर कई पैसे लूट चुके हैं। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के अधिकारी के अनुसार धर्मेंद्र प्रसाद शिंदे और अविनाश गायकवाड़ को नकली फूड ऑफिसर बताकर व्यापारियों से पैसे ठगने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक व्यापारी ने पुलिस को ये शिकायत की थी कि फूड ऑफिसर ने उसके यहाँ रेड मारकर कार्रवाई करने को कहा और कार्रवाई ना करने के लिए कई पैसे मांग रहे हैं। इस शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही आरोपी अपने कार पे महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाते थे, जिससे लोगों को ये पक्का हो जाता था कि ये फूड ऑफिसर ही है। इनके पास से फर्जी पहचान पत्र और मारुति कार और अन्य सामान जब्त किया गया है। इन दोनों पर आईपीसी की धारा 420 और 170 के तहत केस दर्ज किया गया है। दो तोतिया फूड सेफ्टी ऑफिसर को कस्तूरबा पुलिस स्टेशन जो है उन्होंने उसमें अटक किया है। इसमें 420 का आईपीसी 420-467 से अनुसार इसमें गुना दाखिल किया गया है। दो आरोपियों को अटक की गई है। ये जो आरोपी है, ये जो किराना स्टोर्स है, होटल्स है, ड्राई फ्रूट मार्केट्स है, वहाँ पे जाके अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते थे फूड सेफ्टी ऑफिसर करके, और उसके बाद उनको डरा धमका के उनसे कुछ रुपया लेते थे। इस तरीके से उन्होंने लगभग, अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसे 70 से 80 लोगों को इन्होंने ऐसे ही ठगा है। इसमें 5 घंटे के अंदर हमारी जो टीम है, एसीपी पिंगले, सीनियर पीआई कस्तूरबा और एपीआई टोटावार और पीएसआई राहुल, इनकी टीम ने इसमें बहुत अच्छे से काम करके, तांत्रिक विश्लेषण करके और 15 से 20 सीसीटीवी कैमरा जो है उनका पूरा अवलोकन करके इसमें इन्होंने ये ट्रैक किया, दो आरोपियों को अटक किया और उसके बाद ये अभी मामला जो है वो तहकीकात में है।